शांति। आज की तारीख है 4/9/18 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे योगेश्वर शिव बाबा योग को एक अग्नि बताते हुए हम बच्चों को बहुत ऊंची शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे अग्नि में सब नाश होता है ऐसे ये योगाग्नि भी हमारे विकर्मों का और पाप कर्मों का नाश करती है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे तुम स्वच्छ और गोरा बन जाएंगे। ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है परंतु योग को अग्नि कही जाता है। प्रश्न है किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं। तर्कस माना पीठ के पीछे पीछे जो तीर रखने का साधन होता है उसे तर्कस कहते हैं। तो किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? उत्तर है जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा करते हैं कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं वह उच्च पद पाते हैं। गीत बजा है कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक है पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है। बाप से कृपा मांगनी नहीं है। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। देवी देवताओं को एक बार श्री शब्द प्रयोग में लाया जाता है परंतु श्री देवताओं को बनाने वाले परमपिता परमात्मा के लिए श्री श्री दो बार यह शब्द या अक्षर प्रयोग किया जाता है। नंबर दो धारणा बिंदु है स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। मन जीत जगत जीत नहीं लेकिन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं है। अशरीरी होने का अभ्यास करना है। वरदान है तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं लेकिन इनका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से तुम पुण्यात्मा बन जाते हो। ये तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। यह स्मृति भी एक तावीज का काम करती है। कोई भी बात हो तो यहाँ के वातावरण से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। कभी यदि स्मृति काम करती होगी तो बाबा कहते हैं कोई भी बात हो यहाँ के वातावरण को याद करने से यानी मधुबन महान तीर्थ के
वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे, तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। मधुबन धरनी में पहुंचना, बाबा कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। बाबा कहते हैं, अगर आप ये चाहते हो कि आपको रमता योगी के रूप से सभी याद करें, तो नॉलेज और अनुभव डबल अथॉरिटी वाले आप दिखने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.